नमस्कार दोस्तों। दोस्तों देश में पिछले चार दिन से एक के बाद एक गुड न्यूज मिल रही है, लेकिन इस बीच कोरोना के घातक डेल्टा वेरिएंट के बाद एक और वेरिएंट ने अमेरिका में तहलका मचा दिया है। लेकिन भारत में पिछले चार दिन से ग्राफ लगातार गिर रहा है और लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 28,000 नए मामले सामने आए हैं और 26,000 लोग ठीक हुए हैं। तो इस दौरान दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया। तो इसी के साथ जापान भारत की वैक्सीन बनवाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा है। दोस्तों वीडियो में आपको वो बातें बताने वाले हैं जो आपको कोरोना के हर एंगल से रूबरू करवाने वाली हैं। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का दबदबा, कोरोना वैक्सीन पर भारत की सबसे बड़ी जीत। दोस्तों भारत वैक्सीनेशन के मामले में एक तो बहुत तेजी से काम कर रहा है, अब तक 85 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। तो दूसरी तरफ भारत की कंपनियों ने स्वदेशी वैक्सीन डेवलप करके दुनिया में बढ़त बना ली है। पीएम मोदी ने भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA टीका बना लिया है, जिसे 12 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। ये एक गेम चेंजर वैक्सीन है जिसे केवल भारत ही बना सका है। जायकोव डी नाम की ये वैक्सीन भारत की जायडस कैडिला ने बनाई है और जल्द ही मार्केट में लॉन्च भी हो जाएगी। तो वहीं अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड की मीटिंग में भी कोरोना को लेकर चर्चा की है। तो इस दौरान अमेरिका ने भी वैक्सीन के मामले में भारत की भूमिका को काफी अहम बताया है और भारत के वैक्सीन निर्यात को दोबारा शुरू करने के फैसले पर जमकर तारीफ की है। वहीं क्वाड के कहने पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत बायोलॉजिकल ई की ओर से बनाई गई जॉनसन एंड जॉनसन की जेनसन वैक्सीन के 80 लाख डोज उपलब्ध करवाएगा। तो वहीं जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन के जरिए जापान भारत के साथ कोरोना महामारी से बचाव के लिए $10 करोड़ का निवेश करेगा। इतना ही नहीं, क्वाड देश को वैक्स के अतिरिक्त दुनिया को 120 करोड़ वैक्सीन दान देंगे। गुजरात में बहुत तेजी से बनी एंटीबॉडी, वैज्ञानिकों के रिसर्च रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। देश के बाकी हिस्सों की तरह गुजरात में भी कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाया। अप्रैल के दौरान प्रदेश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़े थे, उस वक्त सेकेंड वेव पीक पर थी, हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन जिस तेजी से इन मामलों में बढ़ोतरी हुई थी, गिरावट भी उतनी ही जोरदार रही। 30 अप्रैल को जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी तो यहां केस बढ़कर 14,605 हो गए थे और 30 मई को ये मामले घटकर 2,230 पर पहुंच गया। अब तो यहां कोरोना केसेस 20 से भी नीचे पहुंच चुके हैं। अब कोरोना के मामलों में तेज उतार चढ़ाव से आम आदमी और वैज्ञानिक दोनों हैरान हैं। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा किया है। इनके मुताबिक कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट भी म्यूटेशन से लोगों में उतनी ही तेजी से एंटीबॉडी बनी, इससे वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी तैयार होने का रास्ता खुल गया। तेजी से एंटीबॉडी बनने के पीछे वैज्ञानिकों ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के चलते उन लोगों में भी ज्यादा एंटीबॉडी बनी जिन्हें मामूली संक्रमण था। डेल्टा वेरिएंट से एंटीबॉडीज का जनरेशन तेजी से हुआ, ये पुराने वेरिएंट में नहीं हुआ था। दिल्ली ने कोरोना पर दी बड़ी गुड न्यूज। अब दोस्तों जिस तरीके से गुजरात ने बड़ी गुड न्यूज दी है, ठीक उसी तरह से दिल्ली से भी लगातार 8 दिन से राहत वाली खबर है। यहाँ अब कोई मौत नहीं हो रही है, बस 20 से 30 केस आ रहे हैं। फिलहाल एक्टिव केस भी 400 से कम ही है। अब दिल्ली के लोगों की इम्यूनिटी चेक करने के लिए एक बार फिर से सीरो सर्वे शुरू किया गया है। इस बार दिल्ली के हर वार्ड से 100-100 सैंपल लिए जाएंगे, कुल 28,000 सैंपल लिए जाएंगे, जिसके एक हफ्ते बाद रिपोर्ट भी आ जाएगी। यानी 2 हफ्ते के अंदर सीरो सर्वे की रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिससे ये पता चलेगा कि दिल्ली की कितनी आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। देश के कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इन सब के बीच दिल्ली में फिर से सीरो सर्वे की शुरुआत हुई है। अमेरिका में नए वेरिएंट ने बढ़ाई दिक्कत, कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
कई देशों में कोविड 19 के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक डराने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका में कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट मिला है। इसका नाम R1 दिया गया है। भले ही फिलहाल इस वेरिएंट के मरीज कम है, लेकिन इसका खतरा ज्यादा है और इसने अमेरिका की खास तौर पर धड़कनें बढ़ा दी हैं। एक्सपर्ट्स ने कोरोना वायरस के इस खतरनाक वेरिएंट के बारे में लोगों को चेतावनी दी है कि ये बहुत ही संक्रामक है और विकराल रूप ले सकता है। ये वेरिएंट पिछले साल जापान में भी मिल चुका है और अब ये अमेरिका से दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है।